और कैसे करते हैं, और ये भी बताना है कि टारगेट जो रहा है, इस टारगेट में जितने टारगेट रहने वाले और नेक्स्ट लेवल आप बातचीत पर बातचीत करने वाले हैं। सुनना चाहते हैं तो चलिए हम नहीं करते हैं, माइक फिल्टर करते हैं। जोरदार साथियों, सबसे पहले तो मेरे गुरुजनों को नमस्कार। और यहाँ पे बैठी प्यारी सी बप्पा के लिए नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू साथियों, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूंगी जैसे कि मुझे इस बिजनेस में लेकर के आए। और साथियों, मुझ पर नाना कहलाई और मैं हाँ करते करते यहां तक आ गई। साथियों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। जोरदार थैंक यू साथियों। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माता पिताओं के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। और एक और माता पिता कहते हैं कि एक माता पिता को छोड़कर के दूसरे माता पिता आते हैं, मिलते हैं हमको। तो साथियों, उनके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी जो मुझे सपोर्ट की और यहां तक पहुंचाया। मैं चाहूंगी मेरे मम्मी पापा के लिए दमदार वाली। क्या बात है। थैंक यू साथियों। और एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे ग्रेट मेंटरों के लिए, अनीता मैडम और रमेश चंद शर्मा के लिए अब तक की दमदार वाली ताली होनी चाहिए। और एक और धन्यवाद देना चाहूंगी, सबसे ज्यादा धन्यवाद जो मेरी प्यारी सी बंपर से रोगी और सेवियों की टीम बैठी है, सबसे अति दमदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू साथियों। सबसे पहले परिचय देना चाहूंगी, नाम शिमले सिंह और डीग से बिलोंग करती हूँ साथियों, डीग जिले से बिलोंग करती हूँ, डीग जिलावन जो है साथियों, डीग जोरदार। थैंक यू साथियों। साथियों, इस बिजनेस की जानकारी मिली और विश्वास किया और अनजानों से जानकारी मिली, कोई जान पहचान नहीं थी, विश्वास किया, चलना शुरू किया। आज बिजनेस में चलते चलते साथियों 2-2.5 साल के करीब हो चुका है और आज ये जो लेवल मिल रहा है, जो मान सम्मान मिला है साथियों, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो भी है मेरे ग्रेट मेंटरों का है, मेरे गुरुओं का है और प्यारी सी बप्पर से टीम का है साथियों। थैंक यू साथियों। साथियों, एक हाउस वाइफ थी जब बिजनेस प्लान मिला था। एक हाउस वाइफ क्या कर सकती है, घर में खाना बना सकती है, बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, झाड़ू पोछा कर सकती है, यही तो होता है। साथियों, इसके साथ में एक सिलाई का काम भी करती थी। मन नहीं लगता था, घर में ही सो जाता है, कुछ कर ले। साथियों, हसबैंड अनाज मंडी में आड़त का काम करते हैं और मेरा घर में मन नहीं लगता था कुछ काम, मैं सिलाई विलाई का ही देख ले। 100-200 रुपए का काम निकलता था, 5-6 घंटे बैठती थी। साथियों, सिलाई के काम को करते हुए बिजनेस की जानकारी मिली, बिजनेस प्लान देखा, जैसे अभी आपने देखा होगा यहाँ पे, मुझे भी देखने का मिला, आपको तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, मुझे 1-to-1 में यानी के घर पर प्लान मिला था साथियों, और अकेले में प्लान मिला था। और जब मैडम को जानकारी देते हैं ना तो पूछती है कि हस्बैंड से पूछ ले, होता है कि नहीं होता। यस। कितनी इतनी मैडम है जो हस्बैंड से पूछती है, हाथ खड़ा करे, सभी पूछती है। वेरी गुड, मैं चाहूंगी सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने भी पूछा, तुलाई चल रही थी, मार्च का महीना था, मैं सोच ले पूछ ले, क्या पता मना करने लग जाए। साथ वही जवाब आया, क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं देखते हैं ना तो हमें नहीं पता लगता है कि क्या है। कंपनी एक आएगी, चली जाएगी, भाग जाएगी, बहुत सारी आई और चली गई, यही होता है कि नहीं होता। Yes. और यही सुनने को मिलता है हमें।
साथियों ने फोन लगाया तो पूछा कि बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यही जवाब मिला। साथियों मैंने जवाब ना के बाद भी मैंने फॉर्म साइन अप कर दिया और इसमें आईडी लगा दी। साथियों जोरदार। साथियों मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है घर में और हुआ भी था। सर बोले मैडम एक आईडी से जोड़ने करती है तो एक जगह से इनकम लेंगे और अगर तीन आईडी से जोड़ने करती है तो आप तीन जगह से इनकम, जैसे आप सभी को बताया होगा, बताया कि नहीं बताया? एफआईआर हुई थी, वो भी सभी को बताया। यस साथ ही मुझे भी बताया था। तो मैंने बोला कि लड़ाई झगड़ा तो एक दिन होगा, अगर एक दिन होगा तो होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दो और लगा देते। क्या बात है, जोरदार। साथियों मैंने तीन आईडियो से जोड़ने की थी। कितनी आईडियो से? तीन आईडियो से जोड़ने की थी शुरुआत में। और फिर मैं बोली सर जी मैंने तो लगा दी, अगर मेरे साथ में कोई और नहीं आए तो सर ने बोला था मैडम जी आप लिस्ट बनाइए, उनकी चिंता मत कीजिए और आप हमसे मिलवाइए। तो साथियों यही काम किया और सर हमारे करावली से और डीक का 150-150 किलोमीटर का ट्रेन का आना जाना था सर का, और सर की मेहनत की वजह से और मैडम की मेहनत की वजह से। साथ में इस बिजनेस में क्यों आई थी, कैसे आई थी, मैं मैडम को देख करके आई थी। मैं सोच रही थी अगर मैडम कर सकती है तो मुझ में क्या कमी, मैं क्यों नहीं कर सकती। क्या जोरदार। बहुत सारी लेडीज को देख करके आई थी। Yes. तो साथियों मैं भी मैडम को देख करके आई थी और मैंने विश्वास किया, चलना शुरू किया। साथियों उस समय टारगेट चला हुआ था तो मात्र 20-25 दिन रह गए थे टारगेट में, और सबने बोला मैडम टारगेट चला हुआ है, आप टारगेट कर सकती हैं। मैं सर जी मुझे तो पता नहीं टारगेट के बारे में कि क्या करना है। तो सबने बताया कि आप लिस्ट बनाइए और हमसे मिलवाते चले जाइए, बस ये करना है आपको। साथियों यही काम किया था, सबसे पहले गोवा का टारगेट किया था, 20 दिन के अंदर गोवा का टारगेट। जोरदार। और अगर हस्बैंड की बात करूं ना, यही खड़े हैं और मना कर दिया कि जोनिंग नहीं करनी, ना मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। आज वही तो खड़े हैं, दूसरे तो नहीं देख लिया। जोरदार। मना किया था नहीं करूंगा, एक महीने तक तो मेरे प्लान से नहीं मिले थे और चकाचक रहते थे, सुबह को दुकान जाते थे, शाम को चकाचक फिरते 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 आते थे घर पर। ये कंडीशन थी, लेकिन कहते हैं ना कि जैसी संगति वैसी रणनीति होती है। साथियों घर में महिला होती है ना, वो सोचती है कि मेरी जिंदगी तो इसी में निकल जाएगी, यही सोचती है। और मैं भी सोच रही थी कि 100-200 रुपए की कमाई हो जाती है, अपना खर्चा पानी चल जाता है, यही तो होता था ना साथियों। लेकिन जब ग्रेट मेंटरों ने समझाया बताया और हमें ऐसा रास्ता मिला, पहले रास्ता नहीं था, लग रहे थे, लेकिन ऐसा रास्ता मिला हमें समझाया, हमारे सपने जगाए, चाह जगाई, और आज ग्रेट मेंटरों की वजह से और प्यारी सी बब्बर सी चेहरों की टीम की वजह से, और मैं इसका सारा श्रेय जाता है, जो मान और सम्मान माइक मारा जो कुछ मिला है ना, इन्हीं के लिए समर्पित करती हूँ। साथियों इन सभी के लिए थैंक यू। साथियों अब चांद भी है सपने भी है, आज तो टोपाज का सम्मान लिया है,